मैं वीरेंद्र सिंह फ्रॉम उड़ीसा संबलपुर से, और आज अपने आ गए संबलपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर लैमुरा के जंगलों में। ये जंगल हाथियों से पूरा भरा पड़ा है। मैं दिखाऊंगा आगे नेक्स्ट कहाँ पे हाथी, और इस मशीन का कंट्रोल वाल्व का सील चेंज करना है पीछे का, स्कॉर्पियो कंट्रोल वाल्व का सील, कैट 4-4 2-4B मशीन का, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा कैसे इसको चेंज करते हैं और क्या सावधानियाँ रखना पड़ता है। देखिए इनका कंट्रोल बल्ब से पीछे का जो स्कारोटर कंट्रोल बल्ब होता है कितना ज़्यादा लीकेज हो रहा है, ये कैट 4-4B मशीन का। ठीक, आज इसका कंट्रोल बल्ब का सील चेंज करेंगे, तो इसको देखने और जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहें, कैसे चेंज करते हैं और चेंज करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखना पड़ता है उसके लिए आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। देखिए इस मशीन का कंट्रोल बल्ब का सील यदि आप चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा। ये कवर है पीछे का कंट्रोल बल्ब का कवर, ये कवर को खोलना पड़ता है। ये देखिए 10 नंबर का बोल्ट लगा है, चारों कोना पे 4 बोल्ट लगा है, वो बोल्ट को खोलेंगे। और बोल्ट को खोलने के बाद ये देखिए यहाँ स्टार लिंक की बोल्ट लगा है, ये भी 4 पीस है चारों कोना में। ठीक, तो इसको ये प्लेट को भी खोलना पड़ता है। तो पहले इस कवर वगैरह को अपने खोल लेते हैं, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। देखिए चारों बोल्ट खोल दिए, 10 नंबर का जो बोल्ट था ना, वो खोलने के बाद कवर को ऐसे बाहर खोल लेते हैं। उसके बाद देखिए अंदर में कैसा नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे उतना गैप नहीं है जिससे कि अपने काम कर पाएंगे, तो उसके लिए प्लेट को भी खोलना पड़ेगा। ये देखिए ये प्लेट जो लगा है ना, इस प्लेट को भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार एलिंग की यूज़ होता है, खोलने के लिए स्टार बोल्ट दिया हुआ है। देखिए वो नीचे का प्लेट खुल जाने के बाद यहाँ नीचे में कितना गैप बन गया है, जिससे कि अपने आराम से ये सील को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना बुरी तरह से लीकेज है और कितना डस्ट और कचरा वगैरह जम रखा है। तो ये कचरा को सबसे पहले साफ कर लेंगे, जितना भी डस्ट और मिट्टी वगैरह जो भी है ना, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे कि ये खोलने के दौरान जो स्पूल को बाहर करने के दौरान उसके अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं जा पाए। यदि उसके अंदर कचरा घुस जाता है किसी तरह कोई मटेरियल, तो नेक्स्ट काफ़ी प्रॉब्लम आता है। दोस्तों स्पूल आपको खोलने से पहले जो है ना, यहाँ पे देखिए चीरा पिन लगा हुआ है, चीरा पिन का लॉक, इस टाइप का लॉक को चीरा पिन बोलते हैं, ठीक, या स्प्लिट पिन बोल सकते हैं। तो इसका जो लॉक पिन को बाहर करने के लिए स्प्लिट पिन को खोलना है, उसके बाद ये बाहर होगा। देखिए स्प्लिट पिन को कैसे बाहर करते हैं, इसको बाहर करने के लिए कुछ ज़्यादा कलाकारी करना नहीं है। यह स्प्लिट पिन है, इसको ऐसे हाथ से पकड़ के और खींच देना है। यदि आप हाथ से नहीं खींच पाए तो प्लास से खींच देना है, इसे पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, यह स्प्लिट पिन निकल जाएगा। और देखिए इसके अंदर में जो लॉक पिन जो लगा है ना, और देखिए मैं दिखाता हूँ किस टाइप का लॉक पिन है। देखिए इसके अंदर जो लगा है ये इतना पतला लॉक पिन है, जो कि स्पूल और स्पूल रॉड के बीच में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये सील को चेंज करने के लिए यहाँ पे ये एलंकी लगा हुआ है, ये एलंकी प्लेट है, ये 6 स्पूल लगा है, 6 स्पूल में 6 पीस लगा है। और ये जो बोल्ट है लिंकी बोल्ट है, 3x16 का बोल्ट है। तो इसको खोलने के लिए जब भी आप एलिंकी यूज़ करेंगे 3/16 का आप एलिंकी को यूज़ करेंगे, ठीक। और ये जो लगा है ये सब ARB है। तो देखिए ये अपना एलिंकी पाना है टी टाइप का, जब भी आप यूज़ करेंगे खोलने के लिए जब भी आप जाएंगे तो 3/16 का आपके पास एलिंकी होना चाहिए। ये देखिए 3/16 का ये एलिंकी है टी टाइप का, मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था। तो आपको ऐसे करके एक एक करके सभी बोल्टों को खोल लेना है। देखिए ये बोल्ट खुलने के बाद ये ऊपर में जो प्लेट लगा है, ये प्लेट को आपको निकाल लेना है, बहुत ही आराम से आसान से निकल जाएगा। इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा कलाकारी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। केवल साफ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, यदि कंट्रोल वॉल के अंदर कोई कचरा वगैरह घुस गए। देखिए दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कवर जो लगा है इसको स्पूल का कवर, ये 6 पीस लगा है, 6 स्पूल है ना, तो 6 पीस उसके लिए कवर लगा है, तो इसको खोल लेना है। इसको भी खोलने के लिए वही 3/16 का एलेंकी यूज होगा, 2-2 एलेंकी बोल्ट इसमें फिट है, तो इसको अपने खोल लेते हैं। देखिए इसको खोलने के लिए आपको साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यदि कहीं से कोई मिस्टेक हो गया तो आप अलग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे।
तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान देने के लिए क्लीनिंग बहुत जरूरी है ये कंट्रोल वॉल्व का काम करते समय, और वो भी खासकर एक कैट मशीन के लिए, क्योंकि इसका स्पूल में ही गैलरी बना होता है, उस गैलरी को भी मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए नीचे का कवर खुल गया है, ये नीचे का कवर खोल दिया हूँ इसका कैप जो था ना, और ये देखिए ये स्पूल है, और ये स्पूल का ये जो स्प्रिंग जो लगा हुआ है इसको रिटर्नर स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि स्पूल को रिटर्न होने में सहयोग देता है, काम करता है, मदद करता है। देखिए स्पूल को निकालने कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे स्प्रिंग को पकड़ना है और ऐसे खींच देना है, और नीचे में आपको एक टब रखना है, जो हाइड्रोलिक जो आएगा वो टब में आकर कैसे गिरे, ठीक, आपको एक ऐसा टब रख लेना है। ऐसे ही करके आप एक एक करके सभी स्पूल को बाहर कर लेंगे। देखिए ये, उसके बाद ये स्पूल, और आपको एक बात का खास ध्यान देना होगा, ये जो भी स्पूल है ना, जिस गैलरी से आप निकाले फिर दोबारा उसी गैलरी में आपको लगाना है, ये जो स्पूल है आप जिस गैलरी से निकाले हैं आपको दोबारा फिर उसी गैलरी में फिटिंग करना है, तो इसलिए इसको अलग अलग करके सेपरेट सीरियल बाय सीरियल आप इसको रखते जाएंगे। ये देखिए इसका सभी स्पूल को मैंने बाहर कर दिया है, और ये नीचे में यहाँ पे सबको सीरियल बाय सीरियल रखा हूँ, आप भी ऐसे ही करेंगे जब भी चेंज करना होगा। देखिए दोस्तों कैट 4-4B मशीन का स्पूल है, इस टाइप का इसके अंदर स्पूल लगता है, ये देखिए, और इसका स्पूल फील मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका स्पूल फील है, और ये नीचे में देखिए इसका एक वाइपर फील भी लगा है स्पूल फील के नीचे में। ये स्पूल सील है, और ये जो है ये वाइपर सील है, ये हार्ड वाला है, ठीक, इस टाइप का सील इसके अंदर यूज होता है कैट 4-4B मशीन में। देखिए स्पूल के अंदर जिस गैलरी और होल के बारे में बोल रहा था, इससे पहले मैं आपको वीडियो में बताया था, यही वो गैलरी और होल है, ठीक। यदि इस होल में किस तरह कोई कचरा आके फंस जाए ना, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है, जिससे कि दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो इसके लिए मैं बोल रहा था आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। ये देखिए स्पूल रोड कैसा डैमेज हो गया है, ठीक, ये जो बारीक जो लकीर जो आ गया, ये जो लकीर जो है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा ना, आप जितना भी सील लगा ले आपका लीकेज जो है बंद होने वाला नहीं है, आप जितना भी सील लगा ले जब तक से आप स्पूल को चेंज नहीं करेंगे, और ये मार्क ये रहेगा ना, ये देखिए इसके अंदर पूरा नाखून पूरा जबरदस्त इसके अंदर जा रहा है, तो जब भी यहाँ पे सील तो यहाँ ऊपर में लगा रहता है, ठीक, सील के यहाँ ऊपर में लगा रहेगा, तो तेल जो है ना इस एक गैलरी टाइप का ये बन जाता है इस कटने के बाद, और यहाँ से ऑयल जो है बार बार निकलता ही रहेगा, जितना भी आप सील लगा ले आपका लीकेज कभी बंद नहीं होगा, तो इसके लिए आपको स्पूल रॉड चेंज करना पड़ेगा। एक वाइपर सील इस टाइप का ये जो है ना, ये वाइपर सील इसको बोलते हैं, और एक इसका जो है सील ऐसे फिटिंग कर दिया हूँ, पहले से ऐसे फिटिंग करके, और इस ग्रुप में आपको फंसा के रखना है, फिटिंग के टाइम में मैं बताऊँगा ऐसा क्यों इस ग्रुप में मैं फंसा के रखा हूँ, जब फिटिंग करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको, आप वीडियो पे बने रहें। देखिए दोस्तों ये ऊपर में इसका जो है ना ये स्पूल सील ऐसा लगा होता है, ये जो इसका स्पूल सील है, ये नीचे वाला स्पूल सील है, और ये इसका 10 सील है, ठीक, वाइपर सील इसको बोलते हैं। तो अभी तो इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा साफ सफाई करके फिर जब फिटिंग करूँगा तो भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे फिट करते हैं। ये इसका वाइपर हो गया और इसका स्पूल है, ऐसे करके इसको बाहर करते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों ये अंदर में साफ करने के लिए अपने क्या किए, ये बोतल में ये किरोसिन भर दिया हूँ, और देखिए ऊपर में एक होल किया हूँ जिससे कि प्रेशर से आराम से इसको साफ किया जा सके। अब देखिए इसको कैसे अपने साफ करते हैं, ये देखिए ऐसे प्रेशर ऐसे मारेंगे ना, ऐसे प्रेशर से सभी जो है साफ हो जाएगा। देखिए ये सील को कैसे लगाते हैं, ये जो है ना पहले ये सील को ऐसे फिटिंग कर देंगे ऊपर में,
ये सील फिटिंग होने के बाद ये वाइपर सील जो है ना, ये वाइपर सील है, वाइपर सील को पोजिशन ऐसे रखना है इसके ऊपर में, ऐसे रख करके और इसका जो है कैप ऊपर से लगा देना है। तो ऐसे करके एक एक करके सभी में फिटिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पूल रॉड कैसे डालते हैं। देखिए इसको कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं है, डालते समय आराम से, ये देखिए आराम से जा रहा है। और देखिए ये जो अपने जो ओरिंग जो लगाए थे सील नीचे वाला, ये जैसे ये ग्रुप में आता है ना, ये सील को यहाँ आराम से इसे बैठा लेंगे, ठीक, इसको अंदर की ओर पुश करके आराम से बैठा लेंगे। देखिए उसको उंगली या किसी पेचकस के सहारे से बहुत ही आराम से वो सील को हमने बैठा दिया अंदर की ओर, और कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं स्पूल फिटिंग करते समय। और इसको जो है ना फिर अपने आराम से इसको ऐसे पुश कर देंगे, ये अपनी जगह पे ऐसे बैठ जाएगा, ठीक। इसी तरह करके एक एक करके सभी स्पूल को बैठा लेना है, इस पोजीशन पे ला करके इसको ऐसे टाइट कर देंगे, इससे ऐसे ढंग से कर एक एक करके सभी में फिटिंग कर लेना है।